राज्यसभा के लिए प्रदेश के 11 सीटों पर हो रहे चुनाव के लिए मंगलवार को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि नामांकन 31 मई तक दाखिल किए जा सकेंगे, तो वहीं 1 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 3 जून तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 10 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा और शाम 5 बजे से मतगणना होगी। आपको बता दें कि राज्यसभा में यूपी से 31 सांसद हैं, इनमें से 11 सदस्यों का कार्यकाल 4 जुलाई को समाप्त हो रहा है। राज्यसभा की 11 सीटों पर होने वाले चुनाव में भाजपा को 8 और सपा को 3 सीटें मिलना तय है। विधानसभा में भाजपा गठबंधन के 273 और सपा गठबंधन के 125 विधायक हैं। जनसत्ता दल, लोकतांत्रिक और कांग्रेस के 2-2 तथा भाजपा का 1 विधायक है। जनसत्ता दल के 2 विधायकों का समर्थन भाजपा को मिल सकता है, जबकि कांग्रेस और भाजपा का किसी भी दल से गठबंधन नहीं होने से दोनों दल चुनाव से बाहर रह सकते हैं। आपको बता दें कि 1 सीट के लिए 36 विधायकों का वोट चाहिए, तो वहीं भाजपा के पास 273 विधायक है। ऐसे में उन्हें प्रथम और द्वितीय के क्रम में मतदान के आधार पर 8 सीटें जीतने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो वहीं सपा के पास 125 विधायक है, इस आधार पर उन्हें 3 सीटें जीतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।